तो वॉट आई वॉज से अगर हमें कंट्री का अगर हालात सुधारना है तो एवरी ईयर वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग टैक्स बेस और मैं आप लोगों को बता रहा था एक दिन मुझे पता है कि आप लोग इस साइड आ जाओगे फ्रॉम नॉन टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर एंड वेन यू कम ऑन दिस साइड आई नो यू आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर अलोन जैसे मैं आप लोगों को encourage कर रहा हूँ इस साइड आने के लिए वैसे आ, आप और कुछ लोगों को इनकरेज करोगे आप लोगों के हाथ में आपके क्लाइंट्स लोगों के रिटर्न आपके क्लाइंट लोगों के कंप्यूटेशन होंगे आप अपने क्लाइंट्स को भी बोलोगे सर प्लीज आप देश का थोड़ा तो टैक्स भर दीजिए एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल इंडिया एंड देयर फोर गवर्नमेंट कॉल्स वी आर अ पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग हम तभी पार्टनर हम तभी टोली पार्टनर नेशन बिल्डिंग बन पाएंगे जब हम एक्चुअल में टैक्स पे भी कर रहे हैं और लोगों को टैक्स के लिए इनकरेज भी कर रहे हैं दैट इज वी आर टैक्स ऑफ द नेशन तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स बेस इन इंडिया अगर आपको लगता है कि टैक्स के रेट कम होने चाहिए तो फिर एक असि का डेफिनेशन है हाथ थोड़ा काम का डेफिनेशन होता है असेसी मीन्स मींस अ पर्सन देखो इससे क्या पता चलता है पर्सन होना जरूरी है तो एक सेंटेंस होता है इनकम टैक्स लॉ में अ पर्सन ठीक है ना ऑल पर्सन बट ऑल नीड नॉट टू बी असेसी। इसका एक मीनिंग समझो आप जो असेसीज़ होते हैं ना वो पर्सन होना बहुत जरूरी है बट ऑल पर्सन नीड नॉट टू बी एस क्यों क्योंकि पर्सन तो सर हमारे देश में बहुत सारे हमारे देश में वन करोड़ पर्सन है इंडिविजुअल खाली लेकिन सर टैक्स तो खाली पांच करोड़ है तो ओनली फाइव करोड़ पीपल आर एस एस हाँ लेकिन जो अस वो पर्सन बिल्कुल है तो तो मींस अ पर्सन बाय एनी एनी टैक्स टैक्स और अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट आपको समझता है एनी अदर सम ऑफ मनी में फीस आता है इंटरेस्ट आता है पेनाल्टी आता है फाइन आता है आप लोगों को इसमें का कुछ भी अगर पेएबल है तभी भी आप लोगों को माना जाएगा कि आप पर्सन हो आपके अगेंस्ट अगर इनकम टैक्स में कोई प्रो, प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग आपका अगर कोई केस चालू इनकम टैक्स में तो भी आप एस हो इनकम टैक्स में डीम्ड टू बी एस की कॉन्सेप्ट है डीम्ड टू बी एस मतलब आप एस नहीं हो लेकिन आप किसी और पर्सन के लिए आपको डीम्ड टू बी एस बनाया गया है तो भी आप एस हो और अगर, अगर आपने टीडीएस अगर टाइम पे नहीं दे जमा किया टैक्स डिडक्टेड सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड अगर आपने पे जमा नहीं किया, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी सर असेसमेंट का क्या मतलब होता है असेसमेंट इज द प्रोसीजर बाई विच असेसमेंट इज द प्रोसीजर बाय विच एन इनकम ऑफ अज डिटरमाइन असेसिंग ऑफिसर एंड असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट इनकम टैक्स का ऐसा नहीं कि एक बार आपका असेसमेंट चेक कर ले तो फिर से कभी ओपन नहीं कर सकता जब भी इनकम टैक्स को डाउट आएगा कि आपने टैक्स की चोरी की है इनकम टैक्स अगर आपका असेसमेंट कर सकता है तो इनकम टैक्स आपका रीअसेसमेंट भी कर सकता है मतलब फिर से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करके देख सकता है कि आपने सच में टैक्स जेन्यूनली भरा है कि नहीं भरा है तो एक साल चोरी कर लिया सक्सेसफुली टैक्स का तो ऐसे नहीं कि आपको कभी नहीं पकड़ा जाएगा आपको अभी नहीं पकड़ा तो फ्यूचर में पकड़ा जा सकता है तो आप लोगों को रेडी रहना पड़ता है कि हाँ सर कि मैंने अगर चोरी की है तो मेरे सर के ऊपर हमेशा एक तलवार रहेगी कि डिपार्टमेंट मेरा रीअसेसमेंट कभी भी कर सकता है फिर एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में एवरेज रेट ऑफ टैक्स

मैक्सिमम मार्जिनल रेट करके एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या बोलता है देखो मैक्सिमम मार्जिनल रेट टू मीन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी एप्लीकेबल टू द हाइएस्ट स्लैब हाइएस्ट स्लैब ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल को हाईएस्ट टैक्स का स्लैब जो लगता है ना उसको एमएमआर बोला जाता है अगेन यह टीडीएस के चैप्टर में हमको यूज होती है लेकिन आप यहीं पे पढ़ लो आज की तारीख में देश का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो होगा ना हाईएस्ट टैक्स पेयर जो होगा वो होता है टैक्स उसका बेस टैक्स का सरचार्ज थर्टी सेवन परसेंट हो सकता है करोड़ के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपका सरचार्ज थर्टी सेवन परसेंट होता है और हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको पता है फोर परसेंट भरना ही है तो कितना आता है अगर आप कैल्सी अगर लेते हो कैल्सी अगर लेते हो तो आप कैल्सी पे थर्टी लो थर्टी का प्लस करो थर्टी सेवन परसेंट थर्टी में थर्टी सेवन परसेंट अगर आप जोड़ते हो तो फोर्टी वन पॉइंट वन आ जाता है फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट आता है उसका प्लस फोर परसेंट फोर परसेंट करोगे तो फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर आ जाता है तो ये वाला नंबर हम लोग बाय हार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये तो अजीब सा नंबर है ना फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर एग्जाम मेंल्टीपल चोइस क्वेश्चन में आता है इज द द फॉर करेंट आपको बोलना पड़ेगा 30 plus 37 plus 4%. तो फटाफट -फट करके कर देखने का इज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स दैट रिच पीपल आर पेइंग इन इंडिया विच इज क्वाइट हाई आई प्रिज्यूम इट इज वेरी हाई बिकॉज फोर्टी टू क्या होता है यार तूने ने एक करोड़ कमाया तो फोर्टी टू लैक को गवर्नमेंट को देना है दस करोड़ कमाया तो फोर पॉइंट ट्वेंटी करोड़ फोर पॉइंट टू करोड़ आपको गवर्नमेंट को देना है दिस इज वेरी यू नो टफ टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था लेकिन चलो ठीक है जैसा है वैसा है कुछ नहीं कर सकते आगे चलते हैं तो ये मेरा हैंड रिटर्न नोट्स का तो चैप्टर नंबर वन यहाँ पे नहीं है थोड़ा और कुछ है हाँ अनडिस्कलोज इनकम भी मैंने यहाँ पे ही कवर कर लिया है सर अनडिस्कलोज इनकम मतलब सिंपली भाषा में समझो कि तुम्हारे घर पे रेड हुई है रेड में गवर्नमेंट को तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दुनिया भर के कैश क्रेडिट दिख रहे तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए पैसे गए तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि पैसे कहां से आए कहाँ गए ठीक है ना उसी के जैसे आपके घर में बहुत सारे आप उनको डॉक्यूमेंट मिले आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखा है बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा है जमीन के पेपर है लेकिन आपने कभी बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया ऑब्वियसली ये ब्लैक मनी है ऑब्वियसली ये ब्लैक मनी से आपने कमाया था आपके घर पे पैसा ही मिला उनको आपका बेड ओपन किया बेड के अंदर सारे ऐसे दो दो हजार के नोट के बंडल लगा के रखे आपने ठीक है ना और ये ऐसा सौ करोड़ रुपया मिला ऑब्वियसली सौ करोड़ का कैश कोई घर पे नहीं रखता डिपार्टमेंट पूछ रहा है लेकिन आपने खाली एक एकड़ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है जबकि एक्चुअल में पांच एकड़ का आपका जमीन है ठीक है ना तो रिकॉर्डेड बट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स अकाउंट तो यहाँ पे भी इसके ऊपर टैक्स लगता है आपने आप बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हो लालू प्रसाद यादव जैसे ठीक है ना और आपने अपनी डॉटर की शादी पूरे धूमधाम से की है और पूरे बिहार जिला को इन्विटेशन दिया है आपने ठीक है ना और आपकी आपके यहाँ पे करोड़ों लोग खाना खाकर गए आपने करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को गिफ्ट दिया हुआ है इतना लाविश मैरिज अगर आपने किया तो इनकम टैक्स का नजर आपके ऊपर पड़ता है और फिर इनकम टैक्स आप आके आपको पूछ सकता है कि बताओ आपने जो अपने डॉटर की शादी पे पचास करोड़ खर्चा किया वो कहां से लाया अगर कोई बंदा पचास करोड़ खर्चा कर रहा है ना शादी पे तो डेफिनेटली वो व्हाइट मनी नहीं है वो ब्लैक मनी था तो ये अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट इनकम बना देता है और आपको पता होगा तो मार्केट में हुई पे लोन लिया जाता है हुडी मतलब रेफरेंस पे अनसिक्योर्ड लोन तीन से फाइव परसेंट पर मंथ पे लिया जाता है ये लोन ठीक है ना इसको मार्केट लोन बोलते हो हम लोग मराठी में इसको सावकारी कर्ज बोलते हैं इफ यू अंडरस्टैंड है सावकारी कर्ज मीन यू आर जस्ट टेकिंग लोन फ्रॉम सम रिच पीपल इन यूर सोसाइटी आपके लोन में जो रहते हैं वो महीने का थ्री टू फाइव परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं टू एक्सपेंसिव नेटिकुलर ट्रैप एक लाख रुपए की जरूरत है आप लोगों को आपने लोन ले लिया पांच हजार रुपए का तो पस पर, पर, पर मंथ आपको इंटरेस्ट ही देना है विच इज वेरी रॉन्ग तो अगर वो सब ब्लैक में होता है कैश में आता है कैश में जाता है वो सब उसको साहुकारी कर्ज बोलते हैं हम लोग सर ये सब अगर पकड़ा गया तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर टैक्स लेता है बहुत ज्यादा टैक्स लेता है सर कितना ज्यादा टैक्स लेता है यहाँ पे देखो आप

इतना ज्यादा टैक्स लेता है सर खाली टैक्स लेगा क्या गवर्नमेंट नहीं 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 आपसे पेनाल्टी भी लेगा आपसे पेनाल्टी भी लेगा टेन परसेंट का जो भी टैक्स अमाउंट आया हुआ है उसका टेन परसेंट का पेनाल्टी भी लिया जाएगा अगर हंड्रेड करोड़ का आपका ब्लैक मनी पकड़ा गया है तो हंड्रेड करोड़ इंटू इज करोड़ आपका टैक्स हो गया और उसका टेन परसेंट करोड़ आपका पेनाल्टी हो गया सर ठीक है ना टैक्स ले गई लेगा, लेगा, तो नहीं बाबा जान कैसे चोरी की है अगर वो पच्चीस लाख से ज्यादा है ट्वेंटी लाख से ज्यादा है तो गवर्नमेंट फंडेड आपको हॉलीडे मिलेगा सात साल का ठीक है ना खाना रहना फ्री ठीक है ना कभी कभी बॉडी मसाज भी मिलेगा ठीक है तो जेल में आपको रखा जाएगा रिगरस इंप्रीजमेंट के लिए आप लोगों को छह महीने से लेकर सात साल तक का सजा दिया जा सकता है इनकम टैक्स में अगर आपने टैक्स की चोरी की है पच्चीस लाख से ज्यादा और अगर आपने टैक्स की चोरी पच्चीस लाख से कम की है मतलब आप छोटे चोर हो छोटा चोर छोटा हॉलीडे ठीक है ना तो अकोमोडेशन एंड फूड फ्री फ्रॉम थ्री मंथ टू टू ईयर्स का टाइम मतलब दो साल तक का जेल हो सकता है आप लोगों को और प्लस कुछ फाइन वगैरह कोर्ट ने लगाया तो आप लोगों को टैक्स लग सकता है इतना सारा इनकम टैक्स लॉ में आपने शायद यह सुना होगा मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं शायद ये सुना होगा कि दस हजार के ऊपर आप पेमेंट नहीं कर सकते कैश में ऐसा सुना है क्या सुना है हाँ सु, सुना है ना तो दस हजार के ऊपर कैश में पेमेंट नहीं कर सकते एक सेक्शन है अपना पीजीबीपी में सेक्शन फोर्टी ए थ्री वो ये कंट्रोल करता है कि आप दस हजार के ऊपर कैश मत दो कुछ भी कर लो लेकिन दस हजार के ऊपर कैश मत दो तो सर कैश नहीं देना है तो क्या देंगे अभी किसी को पेमेंट तो करना है मुझको चालीस हजार का पेमेंट करना है किसी को दो लाख का पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे करूं तो हम उसको बोलते हैं अप्रूव मोड अप्रूव मोड में क्या क्या आता है तो अप्रूव मोड में आता है अकाउंट पे ही चेक आप अकाउंट पे ही चेक दे सकते हो अकाउंट पे ही चेक आप अकाउंट पे ड्राफ्ट भी दे सकते हो ड्राफ्ट डीडी जिसको हम डीडी बोलते हैं अकाउंट पे ये ड्राफ्ट आप उसको ईसीएस भी कर सकते हो ईसीएस ईसीएस मतलब ऑटोमेटिकली आपने अगर लोन लिया होगा तो आपका ईसीएस होता है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम बोलते हैं वो भी कर सकते हो और अभी एक नया आया हुआ है ठीक है ना नया रूल आया हुआ है वो बोलता है कि आप लोग आप लोग अदर Prescribed electronic mode से भी पेमेंट कर सकते हो अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड सर ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आता है? आता है है इसमें आरटीजीएस ये सब बैंकिंग है ठीक है ना एन एफ -E आपने अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज करेंगे या कभी बैंकिंग किया होगा तो ये सब बैंक फैसिलिटी देता है पैसे ट्रांसफर करने का आरटीजीएस क्या होता है सर रुपए अगर आपको ट्रांसफर करना है करोड़ 1 करोड़, 2 करोड़ करना है रुपए करोड़ करोड़ आपको आपको ट्रांसफर करना करना तो पड़ता है तो उसका एक फॉर्म होता है वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है बैंक क्रॉस वेरीफाई क्योंकि बड़ा अमाउंट है बैंक क्रॉस वेरीफाई करती है और उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर करती है एनईफ और आई आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो एनई मतलब नेफ्ट बोलते हैं हम लोग NFT कैसे होता है कि एनई अगर मुझे अगर आपको अभी पैसे ट्रांसफर करने में अभी इसमें ट्रांसफर करके रखूंगा और उसमें टाइम लगा दूंगा कि कल आपको पैसे मिलने चाहिए तो ये पैसे कल मिलेंगे आपको और अभी भी अगर मैंने इमीजिएट भी किया तभी भी आपको कम से कम चार से पांच घंटा रुकना पड़ता है आज की तारीख में एनई क्लियर होने के लिए आई कैसे होता है कि मैंने अगर अभी आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया इमीजिएट मनी ट्रांसफर हो जाता है वहां पर आई में हाँ लेकिन आई का लिमिट होता है पचास के ऊपर आप नहीं दे सकते एक लाख के ऊपर नहीं दे सकते अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट होता है उसी के जैसा अपना होता है अभी आपने गूगल पे वगैरह यूज किया होगा गूगल पे पेटीएम अगर आपने यूज किया होगा तो उसको यूपीआई बोलते हैं ठीक है ना भीम यूपीआई है फिर आपका अलग अलग यूजर इंटरफेस यहाँ पे उन्होंने यूज करके रखा हुआ है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो था ही पहले से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आई यूपीआई आर टी नेफ्ट भीम आधार पे इसमें का कुछ भी आप यूज करोगे चलेगा दस हजार के ऊपर इन मोड्स को यूज किया जाता है इसको अदर प्रिस्क्राइब मोड बोलते हैं ये बहुत बार लॉ में यूज होता है ठीक है ना आई एफ ओ एस में भी इसको यूज किया गया तो मैंने जनरल टर्मि में इसको ले लिया चलो ठीक है सर यहां पे आपका मेरा मेरा जो है ना ये चैप्टर नंबर वन का राउंड वन खत्म हो जाता है इसमें मुझे अभी आप लोगों को बताना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है ठीक है आपका सिलेबस फटाफट देख लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस जो है सीएम इंटरमीडिएट का पहले बात कर रहा हूं मैं सीएम इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है इनकम टैक्स बेसिक जो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं वो टेन परसेंट ले आएगा एग्जाम में मतलब सौ मार्क का अगर पेपर है तो दस मार्क का आपको बेसिक्स में से आएगा हेड्स ऑफ इनकम आपको जो पढ़ना है कम्पिटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वो सेवेंटी परसेंट का है। तो सारे हेड्स ऑफ इनकम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वो सारा सेवेंटी परसेंट तक आता है मतलब सत्तर मार्क का वो आएगा और बचा बीस मार्क का वो कुछ अपने अदरस चैप्टर है टैक्स मैनेजमेंट प्रोसीजर असेसमेंट प्रोसीजर आईसीडीएस छोटे मोटे जो अदर चैप्टर बचे वो बीस मार्क के आसपास आएंगे ऐसे आएगा इसका कोई गारंटी है इसका कोई गारंटी नहीं इंस्टीट्यूट ने बोला है आ सकता है ऐसा ठीक है ना यूजअली ऐसा आता है लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं देता इंस्टीट्यूट बेसिक्स में क्या क्या आता है इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी दो दिन से मतलब कल और आज में इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया हुआ है और एक चैप्टर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा जो एक्जमशंस की बात करते हैं ठीक है ना एक्समशंस की सेवेंटी परसेंट मार्क्स में क्या आता है सर सेवेंटी परसेंट मार्क्स में आता है इनकम हेड्स ऑफ इनकम पांच हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन ओ ट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन और असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ डिफ्रेंट पर्सन इतना पड़ोगे तो आपका मेजर सिलेबस हो जाता है ये उन्होंने यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है मैं आपको यहां से दिखा देता हूं पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट में देखो बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई है मेजोरिटी बातें मेरी हो गई है इंट्रोडक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वालीडिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने बता दिया आपको इनकम टैक्स सोर्सेस इन इंडिया प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग सेक्शन अभी आज पढ़ा दिया असेसमेंट ईयर पढ़ा दिया प्रीवियस ईयर पढ़ा दिया असेससी का डेफिनेशन पर्सन का डेफिनेशन इनकम का डेफिनेशन आपको बताया मैंने पढ़ना आपको तभी है जब आपके चारों पांचों हेड हो जाते हैं ठीक है ना कितने हेड से पांच हेड से हमारे ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है राउंडिंग ऑफ हमारा मल्टीपल ऑफ टेन होता है ये भी बता दिया कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट अभी हम जब पीजीबीपी में जाएंगे या कैपिटल गेन में जाएंगे तब आप पढ़ोगे डिटेल में टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस

इसका पार्ट पार्ट हो चुका है प्रैक्टिकल पार्ट बाकी है 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 प्रैक्टिकल बाकी बाकी इनकम इनकम का एग्रिकुर, इनकम का एग्रीकल्चर ओके ठीक ये वाला इनकम 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 डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ़ टोटल छोटे मोटे इनकम? नहीं नहीं सर ये नहीं होगा ये पेंटिंग है चलो ठीक है. है? तो जो जो है ना ये बाकी है बापर पर भी ओके हाउस प्रॉपर्टी हाँ हाउस प्रॉपर्टी डन है हाउस प्रॉपर्टी पूरा डन है ओके पीजीबीपी और इसके आगे का सब कुछ बाकी ही होगा राइट यस सर यस पीजीबीपी पूरा बाकी होगा नहीं कैपिटल गेन हो गया है कैपिटल गेन बाकी है आई एफ ओ एस हो गया आप लोगों का आई एफ ओ एस पूरा हो चुका है नहीं आई एफ ओ एस भी नहीं हो चुका है. गिफ्ट टैक्सेशन वगैरह नहीं ये नहीं हुआ है oh, no. नहीं हुआ है okay. नहीं इनकम ऑफ अदर पर्सन क्लबिंग नहीं हुआ रहेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मैंने बता दिया आपको क्या होता है डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम एटी सी टू एटी यू यहाँ पे चलता है सेक्शन एटी का रिलीफ है असेसमेंट ऑफ वेरियस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया थेरी uh, हो गया है

ओके असेसमेंट ऑफ एरियस पर्सन पूरा बाकी रहेगा टीडीएस टीसीएस का पूरा बाकी रहेगा मोस्टली यहाँ पे एडवांस टैक्स है पैन है रिटर्न ऑफ इनकम है असेसमेंट प्रोसीजर है कि इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग कैसे होता है यूजुअली इंट्रोडक्शन है डिटेल में नहीं है थेरी है पूरा का पूरा आईसीडीएस करके कुछ होता है जैसे आपका अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वैसे हमारे यहाँ पे टेन आईसीडीएस होते हैं हम लोग जब जब टाइम मिलेगा उसको टचअप करेंगे और यहाँ पे फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके okay. तो ये आप लोगों का सिलेबस हो गया इसमें का बेसिक कॉन्सेप्ट में सी ए इंटर के मॉडल में आ, में मैं आ रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में देखो हमने सब कुछ कवर कर लिया टैक्स क्या होता है क्यों चार्ज किया जाता है आई हैव टॉट यू दिस टैक्स क्या होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आप लोगों को पढ़ लेना है एक बार वाई टैक्स इज लिविड तो मैंने बता दिया बाबा गवर्नमेंट के पास दुनिया भर के खर्चे होते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए करना पड़ता है पावर टू लेवी टैक्स आर्टिकल टू की बात मैंने कर ली टू ए की बात कर ली यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट बता दिया एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट सेवंथ शेड्यूल की बात जो होती है सेवंथ शेड्यूल में जो लिखा हुआ है कि सर जो पावर होती है वो एंट्री नंबर 82 से आती है और एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का पावर हमारे पास नहीं है फिर इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है मैंने बता दिया इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंस टू होल ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में भी, भी एक्ट लगता है इट केम इफेक्ट एज ऑन के इसमें इसमें टोटल फोर्टीन चैप्टर्स है शेड्यूल फोर्टीन शेड्यूल्स है इनकम टैक्स एक्ट में सब सेक्शन है क्लॉजेस है सब क्लॉजेस है ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन होता है एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सटेंशन होता है सेक्शन का फाइनेंस एक्ट मैंने बता दिया बजट होता है हर बजट में हम हम लोगों को टैक्स का रेट मिलता है पार्ट वन में टैक्स के रेट्स होते हैं इनकम टैक्स के रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे रूल्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे मेरे साथ सर्कुलर नोटिफिकेशन ये भी बता दिया केस लॉ केस लॉ जो होती है यूजली वो फाइनल लेवल पे आती है लेवी ऑफ इनकम टैक्स अभी अभी आपको मैं बता रहा था सेक्शन फोर लेवी लेवी निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है ठीक है ना रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप के होते हैं रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डीम टू बी रेसिडेंट अभी नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है आप लोगों ने पढ़ लिया है फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड करना पड़ता है फिर में हमें salary, property, PGBP, gain, में, कल से डिस्कशन में फिर सर मेरा इनकम तो हो गया लेकिन फिर मेरी स्पाउस का इनकम मेरे माइनर चाइल्ड का इनकम मेरे इनकम में क्लब होता है क्लबिंग प्रोविजन जिसको आप बोलते हैं क्लबिंग प्रोविजन लग जाती है फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है फिर आपसे जो आता है उस इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलते हैं दुनिया भर के डिडक्शन दिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यून टू पी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ए टी सी से लेकर एटीयू की ये लिस्ट है सर दुनिया भर के डिडक्शन हमको मिलते हैं यहाँ पे उसके बाद जो आता है वो टोटल इनकम होता है और मैंने आपको अभी अभी बताया टोटल इनकम के ऊपर हमारा चार्ट है जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया मैंने भी चार्ट में से डिस्कस किया था पहले और ये रहा वो चार्ट जो मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम ये टैक्स अलग अलग रेट्स के होते हैं आपको बता दिया है एक नया सेक्शन आया हुआ है 115 एंड फिफ्टीन ऑल्टरनेटिव टैक्स उसके बारे में भी मैं आपको हिंट देकर चला हूं थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे सरचार्ज और रिबेट की बात होती है एटी सेवन ए में ये सब प्रोवाइड करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन करना पड़ता है उसके बाद एडवांस टैक्स टीडीएस अगर अगर आपने कुछ कुछ भरा होगा टीसीएस माइनस कर दो अगर फिर भी पेबल आ रहा है तो टैक्स पेबल करके भर देना और रिफंडेबल आ रहा है तो रिफंड ले लेना और ये जो भी आपने एक्टिविटी किया वो इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है एस का डेफिनेशन पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को एस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में टारगेट होता है असेसमेंट का डेफिनेशन बता दिया पर्सन का डेफिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को इंडिविजुअल्स क्या होता है एच क्या होता है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इतना डिटेल में कंपनी क्या होती है जरूरत नहीं है पढ़ने की ये चार्ट आप पढ़ लो कंपनी हो गया firm, firm दो टाइप की होती है पार्टनरशिप फॉर्म एंड एल एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो मेंबर होते हैं सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक फॉर्म एक कंपनी भी मेंबर हो सकती है जॉइंट वेंचर जो आपने बोलते हैं उसको आप याद रखो एओपी के नाम से लोकल अथॉरिटी है आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन है इनकम का डेफिनेशन देखो आपको रीड करना है बस बाय हार्ट करने का ट्राई मत करो क्योंकि इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है दुनिया भर की बातें इन, इनकम में आती है प्रॉफिट एंड गेन डिविडेंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्पेशल अलाउंसेस ठीक है परक्यूजिट स्पेशल बेनिफिट्स डीम्ड प्रॉफिट्स प्रॉफिट एंड गेन अंडर पीजीबीपी कैपिटल गेन दुनिया भर का यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा का सारा हम पांचों के पांचों हेड में पढ़ने वाले हैं तो वो जहां जब हम चालू करेंगे तो ये आप दो पिछ का डेफिनेशन पढ़ लेना इनकम का आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे डोंट वेस्ट योर टाइम हियर जहां पे टाइम डालना होगा, होगा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे टाइम डालना जरूरी है इंडिया का डेफिनेशन क्या है तो इंडिया मतलब लैंडमार्क भी होता है आर्टिकल वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को डिफाइन किया गया है इंडिया का जो पानी होता है वाटर लिमिट वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर भी इंडिया का है और इसके ऊपर का एयरबेस जो है वो भी इंडिया ही है और इसकी नीचे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है पानी के नीचे का जमीन ठीक है ना सब सॉइल वो भी इंडिया है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को मैंने आपको डिफाइन कर दिया अभी आज प्रीवियस ईयर क्या होता है असेसमेंट ईयर क्या होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है किसी ने अगर 1993 में अगर बिजनेस चालू किया तो उसका प्रीवियस ईयर फर्स्ट अप्रैल को चालू होगा थर्टी मार्च को खत्म हो जाएगा लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपना बिजनेस फर्स्ट जुलाई को अगर चालू करता है तो उसका प्रीवियस ईयर फर्स्ट जुलाई से चालू होगा और थर्टी मार्च तक चलेगा ये एग्जाम्पल भी मेरा हो गया अनडिस्प्लोज इनकम के बारे में उन्होंने एक एक पैराग्राफ लिखा है मैंने आपको एक एक लाइन में बता दिया आप लोग रीड कर सकते हो कि ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं समझने वाला इसमें कुछ नहीं है हाँ इसका टैक्स का रेट और पेनाल्टी मैंने आपको बता दी डराने के लिए कि ब्लैक मनी जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि सेवेंटी एट परसेंट पे गवर्नमेंट टैक्स लेता है फिर मैंने बोला कि जनरली सर लास्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में असेस होता है लेकिन कुछ कुछ रूल्स में कुछ पांच सिचुएशन में लास्ट ईयर का इनकम लास्ट ईयर में ही असेस हो जाता है तो ये इसका उसका चार्ट बना के दे दिया उसमें शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट है पर्सन लिविंग इंडिया है ठीक है आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन जो है उसने ज्वाइंट वेंचर के लिए फॉर्म किया था वो है पर्सन इज ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स वो भी हमने बात किया और डिसकंटिन्यूअस बिजनेस की भी हमने बात कर ली चार्ज ऑफ इनकम टैक्स बैकबोन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इसकी भी हमने बात कर ली रेट्स ऑफ टैक्स मैंने कल आपको पढ़ा दिया था दुनिया भर के हाँ पे रेट्स ऑफ टैक्स दिए हमने भी कुछ एग्जाम्पल्स किए थे ठीक है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर कोई फर्स्ट अप्रैल पे अगर पैदा हुआ है फर्स्ट पे तो उसको सीनियर सिटीजन बोला जाएगा क्योंकि लास्ट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को ही उसने लास्ट ईयर के रात को ही उसने अपना सिक्सटी का एज अचीव कर लिया था तो फर्स्ट अप्रैल पे भी अगर किसी का बर्थडे होगा तो उसको जो हायर लाख और फाइव लाख का उसका बेनिफिट मिलेगा क्लैरिफिकेशन है अपर लोबस ठीक है है फिर ये टैक्स आया हुआ इसको उन्होंने बस यहाँ टैक्स रेट लिखा है और बाकी उन्होंने बोला डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर एट में मॉडल थ्री में जब आएगा तो बात कर लेंगे हम लोग भी डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आप लोग प्लीज इनके टैक्स कंप्लीट कर लो प्रैक्टिस कर लो एकदम इजी है बारह लाख के ऊपर टैक्स निकालने बोला हमने कल बहुत सारा ऐसा अलग अलग एग्जाम्पल कर लिया था सिक्सटी थ्री ईयर ओल्ड वाले का भी किया था एटी टू ईयर ओल्ड वाले का भी किया था यहाँ पे नंबर अलग अलग है आप लोग कर लो फर्म और लोकल अथॉरिटी का टैक्स मैंने बता दिया था थर्टी परसेंट कोअपरेटिव सोसाइटी का मैंने बता दिया था अप टू टेन थाउजेंड टेन परसेंट टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी परसेंट थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये रिजन में सेकंड टाइम ले रहा हूँ कल मैंने पहले से पढ़ा दिया था ये सेकंड रिविजन इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कंपनी के केस में मैंने बोल के रखा है कि थर्टी परसेंट का जनरल रेट है ट्वेंटी फाइव परसेंट तभी जब आपका टर्न ओवर फोर फोर हंड्रेड करोड़ से नीचे है अभी एक ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम आया है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिफ्टीन परसेंट का टैक्स रेट लगाता है और अदर कंपनी को ट्वेंटी टू परसेंट का लगाता है अगर आप कुछ डिडक्शन नहीं लेते तो ओके फॉरन कंपनी को फोर्टी परसेंट का टैक्स लगता है इतना याद रखो फिर मैंने कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स भी आपको बताए थे कि कैपिटल गेन के ऊपर ट्वेंटी परसेंट लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लेकिन शेयर मार्केट का होगा तो टेन परसेंट भी आफ्टर वन लाख रुपीज ये बात याद रखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है शेयर मार्केट में वो फिफ्टीन परसेंट पे टैक्स होता है जो लॉटरी है क्रॉस वोल्ड पजल है रेसेस है कार्ड गेम है गैमलिंग है बेटिंग है ये गलत सोर्सेस से इनकम कमा है थर्टी परसेंट का टैक्स रेट लगता है और अनएक्सप्लेन मनी के ऊपर सिक्सटी परसेंट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट सेवेंटी एट परसेंट लगता है ये बातें भी हमारी हो चुकी है सरचार्ज मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने बता, मतलब बता दिया है ठीक है ना कि अगर आपका पचास लाख के ऊपर इनकम जाता है प्रोग्रेसिव सिस्टम टैक्सेशन है तो टेन परसेंट का सरचार्ज एक करोड़ के ऊपर जाता है तो फिफ्टीन परसेंट का सरचार्ज, ठीक है दो करोड़ के ऊपर जाता है तो आपका ट्वेंटी और पांच करोड़ की इनकम पर जाता है तो थर्टी सेवन परसेंट का सरचार्ज लेकिन ये जो हाईर सरचार्ज है ये तीन आइटम को टैक्सेबल नहीं नहीं लगता तीन आइटम कौन से सर ये उन, उन तीन आइटम को टैक्सेबल नहीं लगता जिसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड डिविडेंड इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट इन तीनों के ऊपर ये 25 तक का वाला सरचार्ज नहीं लगता मैक्सिमम सरचार्ज जो होता है इन तीन इनकम के ऊपर वो हो परसेंट होता है इसके परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने नीचे दुनिया भर के एग्जाम्पल दिए हुए सॉल्व करके सरचार्ज वगैरह लगा के आप लोग प्लीज सॉल्व कर लो मार्जिनल रिलीफ के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इफ आई गो इन टू दिस इट विल टेक अनादर टू थ्री आवर्स का टाइम जो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट ठीक है आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता कोई भी क्वेश्चन तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर हमको तो ये क्वेश्चन नहीं आता इन्होंने यहाँ पे ये सरचार्ज का चार्ट बना के दिया हुआ एक बार देख लेना रिबेट मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को सेक्शन एटी ए से रिबेट का एक क्वेश्चन पे लाख किसी का इनकम है तो उसका टैक्स लाइबिलिटी आया नाइन थाउजंड फाइव हंड्रेड नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको टैक्स भरना ही नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा एटी सेवन ए रिबेट मिल जाएगा मैक्सिमम रिबेट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का उसके पहले इसको इन्होंने माइनस करके रख दिया यहाँ पे ठीक है आगे चल रहा हूँ आ, हमारा इंस्टीट्यूट सी ए इंस्टीट्यूट क्या करता है जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो वो चैप्टर का एक समरी बना के देता है तो अगर आपको एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है दस पेज पचास पेज का चैप्टर फिफ्टी सेवन पेजेस हमने अभी तक डिस्कस किए उसको वो लोग समराइज कर देते हैं पांच से छह पेज में तो कम से कम इतना आप लोगों को तीन से चार बार रीड करना पड़ेगा ठीक है ना यहाँ पे पूरा जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया ना वो सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उन्होंने यहाँ पे लेटेस्ट रिकेप्चुलेट में पिकअप करके रखा हुआ है और उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं नीचे ठीक है हुईदससी अससी का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में असेसी का डेफिनेशन क्या है स्टेट द द फोर इंस्टेंसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज अबल इन द प्रीवियस ईयर इट सेल इंस्टेड ऑफ असेसमेंट इोर के हम पांच बता सकते हैं शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया ना वो सब बातें हमने जो की थी एओपी बीवाई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अ पर्सन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस ऑफ बिजनेस तो पे उन्होंने ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर इंटर के मॉडल में से खत्म हो जाता है वैसे ही सीएम इंटर के मॉडल में भी मुझे नहीं लग रहा कुछ अलग से बातें यहां पे लिखी गई है मैंने आपको पहले से ही बता दिया है आप लोगों का काम है कि आज आप लोगों को चैप्टर नंबर वन पूरा खत्म करना है कुछ भी नहीं छोड़ना है चैप्टर नंबर वन का आप लोगों को एक खाली टैक्स प्लानिंग और इसका जो बेनिफिट है मैं बता देता हूं

ठीक है ना मेरा टोटल इनकम एट लाख रुपए हजार का इन्वेस्टमेंट कर, कर, तो कर, में कर लिया ये करके मैंने क्या कर लिया मेरे एट लाख में से टू लाख के ऊपर का टैक्स बचा लिया तो मेरा अभी टैक्सेबल इनकम सिक्स लाख आ रहा है तो मैंने क्या टैक्स की चोरी की एम आई टैक्स इवेडर जल्दी बोलो मैंने एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया एटी डी में इन्वेस्टमेंट किया मुझे दो सेक्शन का नॉलेज था तो मैंने वहां पे पैसे इन्वेस्ट करके मैंने बेनिफिट ले लिया तो सर ये टैक्स की चोरी थोड़ी ना क्या है इसको आपने लॉ को यूज किया फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ को यूज किया अपने फैक्स को अपने लॉ के अंदर रखा प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ भी अचीव किया यही तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं टैक्स बचाने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया और मैंने टैक्स बचा दिया तो टैक्स प्लानिंग इज द लीगल

कमर्शियल का इनकम आप यहाँ पे बुक नहीं करके आप एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हो कि मैंने फार्मिंग करके ये इनकम कमाया ये सब चोरी के धंधे हैं अगर आपने टैक्स की चोरी की विच इज कम्प्लीटली अनएथिकल ये ये लॉ है और ये आपके फैक्ट है ये लॉ है ये आपके फैक्ट है आपके फैक्स जो है वो लॉ के भार है और लॉ के ऑब्जेक्ट वगैरह को कुछ मैच नहीं कर रहे हो इस किस में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा क्योंकि तुमने लॉ तोड़ा है तुम्हारे facts कहीं और है, law कहीं और है, है, है है, है? ठीक ठीक ना? इसको tax बोला जाता क्या होता है, सर? Tax avoidance मतलब आप आप तोड़ते नहीं हो, आप law को ऐसे रखते हो ठीक है ना मतलब ये फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ अगर है आपके तो आपके फैक्ट्स थोड़े लॉ के अंदर है लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ मैच नहीं हो रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ मैच नहीं हो रहा है जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किसी को भी दस हजार के ऊपर कैश में पेमेंट नहीं करने का हमारा एक सेक्शन है पीजीबीपी का जो अलाउड नहीं करता कि सर टेन थाउजेंड के ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं करोगे लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं बिजनेस वाले लोग किसी को अगर पचास हजार का कैश देना है तो कैश दे देते फिफ्टी थाउजेंड का कैश दे देते और दस दस हजार के पांच वाउचर बना देते हैं मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को हाँ सर समझा दस दस हजार के पांच वाउचर बना देते सर ये तो ये तो चोरी नहीं है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ नहीं था ना लॉ ने आपको दस हजार का जो लिमिट दिया है उसको आप मिस यूज कर रहे हो आप लॉ के लूपोल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोला जाता है कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो टैक्स अवॉइड करने के लिए आपको लॉ बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि लॉ के लूपोल को देख के लॉ के लूपोल को एक्सप्लॉय करना मतलब एक इट्स अ टैलेंट ठीक है ना तो हम इन तीन वर्ड्स को ना बार बार लॉ में रेफर करेंगे कि ये देखो यहाँ पे टैक्स अवॉइड यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको एंटी इवेजन बोला जाता है एंटी इवेजन मैकेनिज्म एंटी इवेजन एंड एंटी अवॉइडेंस अवॉयडेंस ठीक है ना एंटी इवेजन एंड एंटी अवॉयडेंस मैकेनिज्म दोनों को हमको रोकना पड़ता है टैक्स प्लानिंग के लिए हमारा, हमारा कोई एंटी टैक्स प्लानिंग मेकेनिज्म नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है लोग टैक्स प्लानिंग करें

ठीक है ना इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को अपनी कंपनी में रखते हो ताकि आपका टैक्स का मैनेजमेंट हो जाए टैक्स का मिसमैनेजमेंट ना हो जाए ताकि आपको पेनाल्टी ना भरनी पड़े तो ये तीन बड़े बड़े डिफरेंस है यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी कॉन्सेप्ट है ठीक है ना तो ये पढ़ लो इसमें के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बता दो कि हाँ सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझा आप मुझे जो बोलोगे मैं वो पढ़ाएगा लेकिन अभी जो नहीं पढ़ाना है वो भी मैंने पढ़ा दिया ये मेरे हिसाब से मुझे मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि चैप्टर नंबर वन इज डन फिर भी मैंने आपको चैप्टर नंबर वन का रिविजन करवाया आई डिड नॉट टीच यू चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन पढ़ाने के लिए मुझे दस से बारह घंटे लगते हैं आई के नॉट टीच यू समिंग ऑफ 12 आवर्स इन थ्री आवर्स लेकिन स्टिल आई गेव माई अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट टीच यू थिंग्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो प्लीज आस्क मी योर डाउट